सो है गाइस, दिस इज रोहित एंड यू आर वॉचिंग बीइंग एक्चुअल चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर आप नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा टेक वीडियोस आपको लगातार मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है। और यहाँ आपको ओपन करने के बाद होम पे चला जाना है, और होम को आप थोड़ा देर के लिए प्रेस करके रखिए। जैसे आप प्रेस करके होम बटन को रखेंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शंस दिखाई देगा, एक है आपका अकाउंट और दूसरा आपको ऐड अकाउंट। तो आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ उसके बाद आपको दिखाई देगा लॉग इन टू योर एक्सिस्टिंग अकाउंट या फिर क्रिएट न्यू अकाउंट। तो मैं यहाँ न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी अकाउंट का नेम आप देना चाहेंगे यहाँ आपको वो नेम दे देना है। और यहाँ आप नेम सेलेक्ट कर लीजिए, और नेम यहाँ करेक्टिफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ आपका अकाउंट का मेटा डेटा शो करने लगेगा, जो भी आपने अकाउंट अभी क्रिएट किया है। तो यहाँ मेरा बीइंग एक्चुअल है तो मैं बीइंग एक्चुअल को ही लेता हूँ। और यहाँ आपको नीचे ऑप्शंस दिखाई देगा क्रिएट पासवर्ड इंस्टेड। तो अब आपको पासवर्ड यहाँ क्रिएट करना है, जो भी पासवर्ड आप यहाँ सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ क्लिक कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्रिएट पासवर्ड इंस्टेड पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप पासवर्ड सेट करेंगे। यहाँ क्रिएट पासवर्ड में आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना है, उसके बाद रिमेम्बर करना चाहते हैं पासवर्ड जो, रिमेम्बर पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कन्फर्म कर देना है अपना अकाउंट को, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा कंप्लीट। और यहाँ अब आपको क्या करना है, क्या आप अपना फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हैं, फ्रेंड को शो करना चाहते हैं, तो यहाँ मैं नहीं करने वाला हूँ तो मैं स्किप पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ आपको पूछ रहा है कि फोटोज आप अपलोड करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं यहाँ लाइब्रेरी से कुछ फोटोज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अलाउ कर देता हूँ। फोटो का रेंज आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, और फोटो का कंप्लीट रेंज आप डालने के बाद आपको ऊपर पे एक एरो मार्क दिखाई दे रहा होगा, तो आपको एरो मार्क पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका फोटो आपका प्रोफाइल में सेट हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना एरो मार्क पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोफाइल फोटो ऐड हो चुका है, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ आपको शो कर रहा है आपका शेयर प्रोफाइल या फिर स्किप, तो मैं यहाँ कोई भी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकता हूँ। शेयर प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे आपके फ्रेंड्स या फिर आपके कॉन्टेक्ट में शो करने लगेगा। आप अगर फेसबुक के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप फाइंड पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर कनेक्ट कर सकते हैं अपने कॉन्टेक्ट से, या फिर फॉलो कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको क्या सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ किसी को फॉलो नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं फाइंड करने वाला हूँ किसी को। तो सिंपल सा आपको एरो मार्क पे क्लिक कर देना है, आपका प्रोफाइल हो चुका है सेटअप और आपका अकाउंट हो चुका है अब क्रिएट। पर अभी तक ये बिजनेस अकाउंट नहीं हुआ है, बस आपका एक अकाउंट क्रिएट हुआ है। तो बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अब क्या करना है, आप ध्यान से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आप होम पे चले जाइए, और होम पे जाने के बाद आपको यहाँ सेटिंग्स पे चला जाना है। सेटिंग्स पे टैप कर दीजिए, उसके बाद यहाँ अकाउंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको अकाउंट पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, यहाँ आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट दिखा रहा है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। और ये जितने भी स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको बोल रहा है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, क्या आपको बेस्ट डिस्क्राइब करता है, आपका क्या प्रोफेशन है। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका प्रोफेशन है या फिर जो भी आपका कैटेगरीज है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं मोस्टली वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब के रिलेटेड, तो मैं यहाँ वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपका कुछ और है प्रोफेशन तो आप कुछ और सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और आपको अब शो करेगा आपका बिजनेस अकाउंट। तो चलिए थोड़ा सा लोडिंग का वेट कर लेते हैं,
और अब आपको देख सकते हैं क्रिएटर, क्रिएटर मतलब कि नॉर्मल यूजर के लिए है या फिर बिजनेस फॉर मोर यूजर्स। तो अगर आप बिजनेस का रिलेटेड अकाउंट बनाए तो आप बिजनेस पे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और आपका अकाउंट का यहाँ ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर शो करने लगेगा। तो आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को एक बार चेक कर लीजिए, करेक्ट मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होना चाहिए। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कनेक्ट टू फेसबुक, क्या आप अपना अकाउंट को फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हैं। मैं नहीं कनेक्ट करने वाला, तो मैं स्किप पे क्लिक कर देता हूँ। और स्किप करने के बाद यहाँ आपको 5 स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। तो ये सब 5 स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है। अगर आप चाहें तो आप ये 5 स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं, ना चाहें तो ना भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ आप चाहें तो अपने अकाउंट को शेयर कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स या फिर अपने फ्रेंड के साथ। तो मैं यहाँ किसी को भी शेयर नहीं करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहें तो ग्रो कर सकते हैं शेयर करके अपने अकाउंट को। तो सिंपली से मैं यहाँ शेयर नहीं करने वाला हूँ, तो मैं टिक मार्क पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा अकाउंट हो चुका है कंप्लीट सेटअप। अब आप चाहें तो ये सब स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर मैं चला जाता हूँ अपने होम पे और यहाँ पूछ रहा है ऐड व्हाट्सएप बिजनेस टू योर प्रोफाइल। तो अगर आप चाहें तो अपना व्हाट्सएप बिजनेस अपने प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ शो करने लगेगा, देखिए आपका मोबाइल नंबर, ओके कनेक्ट योर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। फिर मैं बैक चला जाता हूँ, फिर देखता हूँ फेसबुक से कनेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं। मैं कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ फिलहाल मेरा फेसबुक से, तो यहाँ मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ अगर आप चाहें तो अपना अकाउंट को बूस्ट कर सकते हैं और अपना फॉलोअर को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली अपना अकाउंट को क्रिएट करता हूँ किया हूँ, तो मैं नहीं करने वाला हूँ। तो अब आप क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल का पिक्स को ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो ना ऐड कर सकते हैं। ओके सिंपली से सेटअप को कंप्लीट कर देते हैं। सेटअप को कंप्लीट करने के बाद आप प्रोफाइल का जो भी नेम डालना चाहते हैं वो नेम को यहाँ आप एंटर कर सकते हैं। तो मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैं अपना चैनल का नेम को यहाँ एंटर कर देता हूँ। मेरा चैनल का नेम है बीइंग एक्चुअल, तो मैं बीइंग एक्चुअल को एंटर कर दिया हूँ। फिर आपको बायोडाटा में क्या एंटर करना है, तो सिंपली से मैं यूट्यूब का चैनल को ऐड करना करने वाला हूँ। तो मैं यूट्यूब लिख के या फिर यूट्यूबर लिख के मैं यहाँ अपना चैनल का लिंक को पेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं अपना चैनल का लिंक को जल्दी से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मेरा चैनल का लिंक हो चुका है पेस्ट, बीइंग एक्चुअल चैनल। और अब आपको क्या करना है, ऊपर जो ब्लू टिक मार्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको आप क्लिक कर दीजिए। आपका अकाउंट हो चुका है कंप्लीट सेटअप। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं अपने वेबसाइट का लिंक आप ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ, तो मैं टिक मार्क पर क्लिक कर देता हूँ। सेकेंड स्टेप हो चुका है मेरा कंप्लीट। अब आप क्या कर सकते हैं, रीच न्यू पीपल। आप अगर रीच करना चाहते हैं तो आप क्रिएट एड्स कर सकते हैं, अपने एड को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ और पोस्ट कर सकते हैं अपने एड्स को। तो मैं कोई भी पोस्ट को ऐड नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं अपने अकाउंट को तो आप सिंपली से कनेक्ट कर सकते हैं अपने फेसबुक से या फिर आप पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ भी क्रिएट नहीं करने वाला हूँ, मेरा 3 स्टेप्स हो चुका है कंप्लीट। और अब आपको क्या करना है, 2 more steps अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपका अकाउंट कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। तो जल्दी से मैं किसी एक पर्सन को फॉलो कर लेता हूँ। जैसे ही आप फॉलो कर लेंगे तो यहाँ शेयर कंटेंट टू योर व्यूअर्स, व्यूअर्स को शेयर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पोस्ट कर देता हूँ एक कोई भी कंटेंट। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।